कलाकार को मिलना चाहिए ना, हर साल एक एक कलाकार को देते हैं, तो मुझे तो लगा धर्म जी को देना चाहिए था, नहीं दिया। हाँ, उनका सबसे ज्यादा योगदान है, उनको तो कुछ 10-15 साल पहले देना चाहिए था। इवन टू मिथुन चक्रवर्ती, इज ऑल्सो वेरी गुड एक्टर, बहुत कंग्रेचुलेट करती हूँ, बहुत अच्छा व्यक्ति भी है, कलाकार है, परफॉर्मर है, वेरी नाइस। में बहुत एम्फेसाइज करते थे हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर, इवन एक्टर लोग बोलते हमें, मेरे लिए कौन सा गाना बन रहा है, पूछते थे ना एक्टर लोग भी, तो म्यूजिक डायरेक्टर से बात करना, ये सब कुछ होता था। अरे कुछ सिचुएशन निकालो, मेरे लिए एक गाना चाहिए, ऐसा एक्टर भी बोलता था ना। अभी आजकल बेचारा एक्टर बोलेगा तो उसको कोई सुनेगा ही नहीं। हाँ जी, तो उस वक्त का जो पिक्चराइज करना, शूटिंग करना, वो उसका स्टाइल ही अलग था। कैमरामैन का एक हीरोइन को देखेंगे तो वो यूज टू फील, हाँ इसको मैं और कैसा और खूबसूरत कैसे दिखाऊं, वो उसके मन में ये आता था एक कैमरामैन का, बिकॉज ही हैज टू मेक द थिंग लुक मोर ब्यूटीफुल ना। आजकल लोग कोई सोचता ही नहीं है जो ऐसे आया आज के जमाने में, लेकिन समय के साथ साथ समाज में भी बहुत परिवर्तन आया है ना। इट इज नॉट लाइक 20-30 ईयर्स बैक जैसा हमारा हिंदुस्तान था, वैसा नहीं है आज का हिंदुस्तान, अलग है। कोई भी फिल्म शोले वोले जिसमें भी वेरी हार्ड हिटिंग सीन्स थे, उसके बावजूद इंटरेस्टिंग थे ना, नथिंग वल्गर अबाउट इट, नथिंग सो स्कैरी, इतना ग्रूसम भी नहीं, इतना भयानक मार पीट मर्डर जो होता है दिखाते हैं, ऐसा थोड़ी दिखाते थे पहले। एवरीथिंग यूज्ड टू बी सजेस्टिव, दैट्स ऑल। अच्छा, ऊपर से पिक्चर बनाने के लिए बहुत पैसा चाहिए आज के, तो मैंने भी बनाई 2-3 पिक्चर बना के छोड़ दिया, क्योंकि मेरा पैसा गया। आई डोंट वांट टू, बिकॉज़ इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अर्न मनी ना, यू वर्क हार्ड, यू डोंट वॉन्ट टू लूज इट इन मेकिंग अ फिल्म। तो मुझे डांस तो करने नहीं देंगे ना। अरे कौन सा मंत्री आगे डांस कर रहे हैं, नहीं बनेंगे। जिसको इंटरेस्ट जिसमें जिसको इंटरेस्ट है उस काम को करना चाहिए ना, अभी मंत्री बन के क्या करेंगे। उसके लिए कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनका काम है ना, मेरा काम वो नहीं है।